हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि ग्वार की फली जो होती है वो किस तरीके से बनती है। और ये ग्वार की फली दो तरीके की आती है, एक होती है छोटी वाली और एक होती है लंबी वाली। तो ये लंबी वाली फली हम बना रहे हैं, तो ये देखिए इस तरीके से होती है। कई लोग इनको कच्ची भी बनाते हैं आलू में, और कई लोग इनको उबाल के बनाते हैं। तो मैं आज आपको उबाल के बताऊंगी कि उबाल के इस तरीके से बनती है। तो ये इस तरीके से छिली भी जाती है। तो पहले इसको उबालने का प्रोसीजर कर लेते हैं। तो जिसके लिए लिया हमने कुकर, कुकर में हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। इसमें हमें डालना है आधा ग्लास जितना पानी, क्योंकि ये 250 ग्राम है, तो इसमें आधा किलो जितना पानी इनफ रहेगा। और 3 से 4 लिए हमने हरी मिर्चे, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे आधा ग्लास पानी, और आधा ग्लास इनफ रहेगा। और इसको 3 से 4 सीटी आने देते हैं। ये देखिए, ये हमारे कुकर में आ गई थी 4 से 5 सीटी। तो ये फलियां हमारी कितनी अच्छी तरीके से गल गई हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो इन्हें अब हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे, और छानने के बाद में इसको इस तरीके से ऊपर से, ये भी थोड़ी सी गर्म है, तो इस तरीके से ऐसे रेशा इसका निकालना होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है, नहीं तो खाने में फिर ये दांत में गड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके रेशे निकाल लेंगे ऐसे करके। ये देखिए, ये जो रेशे हैं ये निकालने बहुत जरूरी होते हैं दोनों साइड के। इस तरीके से लंबे लंबे रेशे निकल जाते हैं। तो इन्हें हम पहले स्ट्रेनर से छान निकाल लेते हैं उसमें पानी इसका, और उसके बाद में इसमें ठंडा पानी डाल के इसको हम इसकी कुकिंग प्रोसेसर रोक देंगे और इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे छील लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने सारी अपनी फलियां छीन ली हैं, और ये कितनी अच्छी तरीके से छिली हैं ये देखिए, और ये बहुत अच्छी तरीके से गल भी गई हैं। ये इस तरीके से इसको छीलना होता है, ये देखिए इसका रेशा, ये रेशा है जो कि मुंह में और दांत में आता है, तो ये अच्छा नहीं लगता और ये नुकसान भी करता है। ये निकालना जरूरी होता है, ये देखिए इस तरीके से ये रेशे निकलते हैं इसके। तो आगे देखते हैं। देखिए, ले लिए हमने कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का, और इसे अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। देखिए, जब तक हमने एक प्याज को काट लिया है, ये मीडियम साइज का प्याज है, इसे हम कट कर लिया है। और इसके साथ ही हमें चाहिए, देखिए तेल हमारा हीट हो गया था, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन इस तरीके से रगड़ के, और उसके लाल होने पर हम डालेंगे फिर प्याज, इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करना। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूखी भर हींग, क्योंकि इसमें तड़का अजवा, क्योंकि इसमें तड़का अजवाइन का और हींग का ही अच्छा लगता है। और इन फलियों में से हमने लंबी लंबी जो फली थी उनमें से हमने 1 के 2 कर दिए हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से भून लेंगे इसको तेल में। ये देखिए, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, और ये हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। इसे 1 से 2 मिनट भून लेते हैं, फिर इसमें मिलाएंगे मसाले। ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम मिला देंगे आधा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच ही लाल मिर्च। इसमें आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, और इसमें टमाटर और खटाई कुछ नहीं जाती, ये इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनती है सब्जी।
और ये चिलमनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है। और ये चिलमनी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखिए, ये सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई है। और ये कितनी अच्छी लग रही है, ये मैं लंच में टिफिन में देने के लिए तैयार की है मैंने ये सब्जी। तो इसको मैं सर्व करूँगी चपातियों के साथ में। तो आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये कुछ ऐसी रेसिपी हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि जनरली लोग घरों में नहीं बनाते, क्योंकि ये टाइम लेती हैं। इन्हें पहले उबाला जाता है, फिर इन्हें छीला जाता है, इनके रेशे निकाले जाते हैं, तब ये जाकर बनती है। तो आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा नमस्कार।